न्यूज़वर्ल्ड की खास पेशकश खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आज की है वो ये कि भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा गया है। सीएम कमलनाथ ने इस बात का ऐलान किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल के मिंटो हॉल में कार्यक्रम के दौरान इस बात का ऐलान किया है। कमलनाथ ने कहा दिग्विजय सिंह का नाम उनकी जेब में रखा है, वो भोपाल से ही उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें भोपाल लोकसभा क्षेत्र को भाजपा का गढ़ माना जाता है। 1984 के बाद से कांग्रेस यहां जीती नहीं है। कांग्रेस के एआईसीसी की हालांकि मोहर लगना बाकी है, लेकिन कमलनाथ की जैसा माने और अटकलें भी लगाई जा रही थी। सीएम कमलनाथ ने भी कई बार इशारों में यह बात कही थी कि किसी बड़ी सीट से ही, किसी कठिन सीट से ही दिग्विजय सिंह को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा और कयास लगाए जा रहे थे कि दिग्विजय सिंह को भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। और इस बात की जो है उन्होंने कमलनाथ ने बात कही और दिग्विजय ही होंगे भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी इस पे आला कमान की मोहर लगना बाकी है। ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन घोषणा एक तरह से सीएम कमलनाथ ने कर दी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश पचौरी, केएन प्रधान और नवाब मंसूर अली खान पटौदी को भी जिस भोपाल लोकसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद अब जो गढ़ मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी की यह सीट, वहां से अब दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारने की बात कर रहे हैं सीएम कमलनाथ। अब तक यह भी देखा जाता था भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी के सामने कांग्रेस से कौन खड़ा होता है, लेकिन इस दफा बीजेपी दिग्विजय सिंह के सामने किस कद्दावर को उतारती है, अब यह भी देखना दिलचस्प होगा। मोहर लगना बाकी है, लेकिन चर्चाएं गर्म हो गई हैं और सियासी हलचलें दिग्विजय सिंह की इस कमलनाथ की इस टिप्पणी के बाद सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। सियासी गलियारों में बस एक ही बात है कि भोपाल सीट से क्या दिग्विजय सिंह वाकई अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सीएम कमलनाथ ने तो कह दिया कि भोपाल लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह ही उम्मीदवार होंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं आइए आपको सुनवाते हैं। एआईसीसी जो तय करेगी वहीं से मैं लड़ूंगा। सर आप भोपाल से लड़ने के इच्छुक थे, क्योंकि तीन ऑप्शन का बता रहे कमलनाथ जी की जबलपुर, इंदौर और भोपाल, तीन ऑप्शन यहाँ से एआईसीसी कहेगी। सर कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि वो इस फैसले से खुश है, दिग्विजय सिंह जी कितना खुश है वो बताएंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से दिग्विजय सिंह अपने नपे तुले अंदाज में, जो उनका अंदाज है बात करने का, वो साफ कह गए कि एआईसीसी जो तय करेगी उसी पर वो वहां से टिकट चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखना होगा कि उनकी जिस तरह से सीएम कमलनाथ ने कहा है कि दिग्विजय सिंह भोपाल लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, उनका नाम उनकी जेब में है, इस पर क्या कुछ कहना है मौजूदा सांसद आलोक संजर का, आप सुनको सुनवाते हैं। सिर्फ और सिर्फ भ्रम के बादलों को इकट्ठा किया जा रहा है और ये बादल इकट्ठा हो रहे हैं। आपको पता है कि बहुत सारे बादल जो हैं गरजते हैं बरसते हैं, लेकिन गरजते हैं बरसते नहीं है। अरुण जी, आपने जिस तरह से कहा कि जिस तरह की बात सामने आई दिग्विजय सिंह को लेकर, और दिग्विजय सिंह का मन नहीं है लेकिन पार्टी जिस तरह से उनको लड़ना चाहती है, जो संकेत आप दे रहे हैं, अगर वाकई दिग्विजय सिंह यहां से लड़ते हैं तो क्या एक और बड़ी चुनौती हो जाएगी बीजेपी के सामने, एक अभेद कला रहा है 89 से? निश्चित रूप से मैं एक आपको पुरानी बात याद दिलाना चाहता हूं। विधानसभा के चुनाव में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा था, जो वायरल भी हुई थी बात, कि मेरा नाम लोगे तो भारतीय कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। अब वो साक्षात दर्शन देंगे जब जनता को, तो फिर क्या स्थिति बनने वाली है? फिर क्यों लड़ा रही है कांग्रेस? ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, जिसको जब अवसर मिला है उन्होंने गुटबाजी के तहत टंगड़ियां अड़ाई हैं, एक दूसरे को गिराया है, सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो मौजूदा सांसद जो भोपाल से हैं आलोक संजर, उनका यह कहना है कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, और जिस तरह से उनका यह बयान आया है
प्रज्ञा ठाकुर जो मालेगांव मामले में आरोपी थी बरी हो गई हैं। जैसे ही कमलनाथ का ये बयान आया कि भोपाल लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, उनकी क्या कुछ टिप्पणी है वो भी सुनिए आप। मैंने तो अभी सुना आप लोगों के द्वारा कि बहुत मजबूत व्यक्ति को भाजपा से खड़ा, वो कांग्रेस से खड़ा किया गया है, तो मुझे तो हंसी आने लगी कि जो कांग्रेस का ये स्तर है, ठीक है, उनके लिए अच्छा है। कांग्रेस हमें काफी भ्रष्ट मानती है, मजबूत मानती है, आप कह रहे हैं कि वो मजबूत नहीं है, क्यों मजबूत नहीं, क्या कारण इसके पीछे? उनकी दृष्टि में कांग्रेस के लिए मजबूत व्यक्ति होगा, लेकिन मैं एक सन्यासी की भाषा बोल रही हूँ, सन्यासी के तौर पर बोल रही हूँ कि उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे ही ये खबर सियासी गलियारों में बहने लगी, आने लगी कि दिग्विजय सिंह भोपाल से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लोग कयास जिस तरह से लगाए जाते थे, लेकिन कमलनाथ के बयान के बाद और जितने भी राजनीतिक दल हैं, संस्कृति बचाओ मंच ने भी इस पर टिप्पणी की है और कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह एक कद्दावर उम्मीदवार बनकर लोग भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। क्या कुछ कहा जो है यहाँ के मध्य प्रदेश के मंत्री पीसी शर्मा, क्या कहते हैं, संस्कृति बचाओ मंच क्या कहता है, ये भी सुनिए आप। 30 साल का सूखा भोपाल में खत्म हो पाएगा दिग्विजय सिंह जी के आने से। निश्चित तौर पर आज 100 किलोमीटर नर्मदा जी की यात्रा की, माँ नर्मदा का आशीर्वाद है, हमने नर्मदा जी में इतना करवा दिया। तो ये थे पीसी शर्मा जो कह रहे थे कि अब आपको सुनवाते हैं दीपक विजयवर्गीय, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, दिग्विजय सिंह अब चुनाव मैदान में यदि उतरते हैं तो क्या काट होगी बीजेपी की, उनके खिलाफ किसको चुनाव मैदान में उतारेंगे और क्या वो सोचते हैं, ये भी सुनिए। यूपीएससी कहीं से भी लड़े, भोपाल हो, रायगढ़ हो या इंदौर हो, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से दिग्विजय सिंह को हराएगी। दिग्विजय सिंह को भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं पर भी पछाड़ने में सक्षम है। दिग्विजय सिंह कहीं से भी लड़े, भोपाल हो, राजगढ़ हो या इंदौर हो, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से दिग्विजय सिंह की हराएगी। दिग्विजय सिंह को भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं पर भी पछाड़ने में सक्षम। प्रज्ञा ठाकुर के बयान के बाद संस्कृति बचाओ मंच भी इस बारे में उनका यह कहना है कि यदि प्रज्ञा ठाकुर को चुनाव मैदान में दिग्विजय सिंह के खिलाफ उतारा जाए क्योंकि वही है जो उनको टक्कर दे सकती है और इस वक्त मौजूदा सियासी माहौल में प्रज्ञा ठाकुर को ही दिग्विजय सिंह के सामने चुनाव मैदान में उतारा जाना चाहिए। आज संस्कृति बचाओ मंच मांग करता है कि जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने भोपाल से चुनाव लड़ाने की घोषणा की है, उनके खिलाफ पूज्य साध्वी प्रज्ञा जी को जो है चुनाव लड़ाना चाहिए। आज संस्कृति बचाओ मंच मांग करता है सियासत दिग्विजय सिंह के चुनाव मैदान में उतरने की बातों से बेहद गर्मा गई है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का जो चुनावी सिनेरियो है एकदम से इस खबर के बाद बदल गया है। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं हमारे चीफ एडिटर मनोज सैनी के पास, उनके साथ हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना भी मौजूद है। मनोज जी, जिस तरह से अब ये दांव खेला है कांग्रेस ने, क्या जिस तरह से ये दांव खेला गया है, स्टेट हेड हमारे राजेश सक्सेना हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। राजेश जी, ये बताइए कि जिस तरह से दांव खेला गया है, कांग्रेस ने दांव खेला है, एक बड़ा कद्दावर जो है नेता उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने उतारने की बात कही है कमलनाथ ने, हालांकि अभी मोहर नहीं लगी है, क्या लगता है कि जिस तरह से एक सुरक्षित सीट मानी जाती है भोपाल बीजेपी की, बीजेपी हमेशा जिसको भी चाहे वहां से खड़ा कर देती है, जीत पक्की होती है और कांग्रेस से भी कमोबेश वैसे कद्दावर नेताओं ने कभी दमखम दिखाने की कोशिश नहीं करी इस सीट पर, क्योंकि वो शायद उनके मन में यह था कि इस सीट पर जीतना नामुमकिन है, लेकिन अब दिग्विजय सिंह का नाम यदि उछाला जा रहा है और खुद सीएम कमलनाथ ने उनका नाम उछाला है तो क्या लगता है कि अब भोपाल लोकसभा सीट जो है वो एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है यदि एआईसीसी मोहर लगा देती है दिग्विजय सिंह के नाम पर? तो आज की बड़ी खबर और इस बड़ी खबर की चर्चा न्यूज़ वर्ल्ड सुबह से ही कर रहा है, सुबह से ही नहीं
कई दिनों से लगातार दिग्विजय सिंह को लेकर कि वो भोपाल सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं और कहीं ना कहीं सीएम कमलनाथ ने उसमें अपनी तरफ से तो मोहर लगा दी है। अब एआईसीसी की जब बैठक होगी, जब लिस्ट जारी होगी, तो दिग्विजय सिंह का नाम उसमें होगा। जिस तरह से दिग्विजय सिंह का नाम भोपाल सीट से जैसे ही सामने आया, जो सियासी पारा है, मौसम लगातार तप रहा है और ऐसे में दिग्विजय सिंह का नाम भोपाल सीट में अनाउंस होने के बाद जो सियासी पारा है वो चढ़ गया है। अब जो लगातार चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, खासतौर पर बीजेपी संगठन में जिस तरह से दिग्विजय सिंह के नाम आने के बाद अलग अलग चर्चाएं हैं, सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ में चीफ एडिटर मनोज सैनी जी। मनोज जी, सुबह से ही चर्चा कर रहे थे, आप थे पूरा डिटेल से, आपने दिग्विजय सिंह को लेकर चर्चा की, दिन के भी आपने सीधा एक प्रोग्राम किया दिग्विजय सिंह को लेकर, और अब मोहर दिग्विजय सिंह के नाम पर भोपाल सीट पर। देखिए, कमलनाथ ने तो साफ कर दिया है कि दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव मैदान में होंगे, लेकिन एक प्रक्रिया से गुजरना होता है, एआईसीसी की मोहर लगना बाकी है। और यदि एआईसीसी की मोहर लगना, देखिए राजेश, चुनाव के दौर में सब कुछ संभव होता है। कमलनाथ जी ने कह दिया है कि हमने तय कर दिया, लेकिन एआईसीसी की मोहर जब तक नहीं लग जाती, ये सस्पेंस थोड़ा सा बरकरार रहेगा। हालांकि न्यूज़ वर्ल्ड लगातार ये कहता रहा है कि दिग्विजय सिंह यहाँ से चुनाव मैदान में होंगे, उसके पीछे की रणनीति भी आपको बता देता हूँ, दर्शकों को भी बता देता हूँ। दरअसल कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह इंदौर पहुंचे थे, इंदौर में उन्होंने एक जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में कुछ कार्यकर्ताओं को इंदौर में चुनाव लड़ने के लिए बात करते दिखाई गई थी, बाकायदा खुले खुले बात हो रही थी, स्पीकर खुला हुआ था। लेकिन जब ये बात चर्चा में आई, पहले ये कहा जा रहा था कि दिग्विजय सिंह इंदौर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब ये वीडियो ऑडियो वायरल हुआ सामने आया, तो उसके बाद पूरा माहौल बदल गया और खुद कांग्रेस के जो सीनियर लीडर है सज्जन वर्मा, जो कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, उन्होंने इस बात को लेकर एक तरह से कहा जाए तो दिग्विजय सिंह पर भी सवाल खड़े कर दिए थे और ये कहा था कि यदि इंदौर में कोई कांग्रेस अच्छा प्रत्याशी देती, स्थानीय प्रत्याशी देती, तो हमें लगता है इतनी बार हमें नहीं हारना पड़ता। तो इसके बाद इंदौर से विरोध के स्वर निकलना शुरू हो गए, फिर रणनीति बनी कि आखिर दिग्विजय सिंह जाएंगे कहाँ। तो दो ही सीटों की चर्चा पहले से चल रही थी कि या तो इंदौर से होंगे या भोपाल से होंगे। अंततः इंदौर में जब विरोध देखने को मिला तो दिग्विजय सिंह की सीट पक्की हो गई भोपाल। लेकिन अभी भी जब तक एआईसीसी मोहर नहीं लगा देती, आप मानकर चलिए कि थोड़ा सा सस्पेंस बना रहेगा, लेकिन कांग्रेस इस बार एक अलग रणनीति के तहत काम कर रही है। जैसा 2018 के चुनाव में हमने देखा, एक एक सीट बड़ी चयनित करके दी गई थी, सत्ता में वापसी हुई कांग्रेस की। और यही राहुल गांधी का सोचना है कि मध्य प्रदेश में यदि पिछली दफा 27 सीटें 2014 में जीती थी, बाद में एक सीट हार गई भारतीय जनता पार्टी, 26 रह गई थी, तो अब कांग्रेस ये चाहती है कि पुनः वापसी हो जाए और कम से कम 18 से 20 सीट कांग्रेस जीत पाए, चाहे दिग्विजय सिंह को चुनाव लड़ाना पड़े या किसी बड़े नेता को चुनाव लड़ाना पड़े, तो उसमें इस बार कांग्रेस पीछे नहीं रहेगी। और इसीलिए दिग्विजय सिंह का नाम भोपाल से चल पड़ा है। अब तो मानकर चलिए कि दिग्विजय सिंह यदि चुनाव मैदान में होते हैं तो सियासत किस तरह से हो? बिल्कुल, सियासत किस तरह, क्योंकि मनोज जी काफी अहम बात कर रहे हैं राजेश, लेकिन मनोज जी सस्पेंस की बात, राजेश एक सवाल हम भी पूछना चाह रहे थे मनोज जी से। मनोज जी, दिग्विजय सिंह जी जो हैं कद्दावर नेता हैं, बड़ा ही उनका दबदबा माना जाता है कार्यकर्ताओं पर और कांग्रेस नेताओं में उनका एक अपना ही एक अंदाज है। और ये भी बात सही है, कई बार ये बात निकल कर आई कि विधानसभा चुनाव जो अभी जो पिछले हुए हैं उसमें बहुत बड़ा रोल जो है दिग्विजय सिंह ने अदा किया था। लेकिन जिस तरह से सड़क बिजली पानी को लेकर इन्होंने सत्ता गवाई थी 2003 में, उसके बाद जिस तरह के उनके बयान आते रहे हैं, क्या लगता है कि दिग्विजय सिंह एक ठीक है पार्टी की पसंद हो सकते हैं, क्या जनता उन पर भरोसा दिखा पाएगी? देखिए, यही एक सबसे बड़ा सवाल है और इसीलिए जैसे ही दिग्विजय सिंह का नाम अविनाश सामने आया है, उसके बाद से सियासत गरमाई हुई है। जैसा राजेश भी बता रहे थे, लगातार चर्चा का विषय बना हुआ, पूरे भोपाल ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश बल्कि देश में चर्चा का विषय, क्या दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। और दिग्विजय सिंह वही है जिसको लगातार भारतीय जनता पार्टी बंठाधार का तमगा लगाती रही है, और यदि वो चुनाव मैदान में आते हैं तो दो तरह से और इस चुनाव में देखना पड़ेगा। दरअसल दिग्विजय सिंह का भोपाल से आना, एक तो 1989 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा, पहले सुशील वर्मा जीतते रहे, फिर उमा भारती जीती, उसके बाद आलोक संजर, कैलाश जोशी, ऐसे तमाम सारे बड़े नेता यहां से चुनाव जीतते आए। अभी वर्तमान में सांसद आलोक संजर है। अब बीजेपी की तैयारी भी यही है कि ये सीट एक तो बरकरार रहे, लेकिन कांग्रेस से यदि दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में आ रहे हैं जैसा आपका सवाल है, तो निश्चित रूप से बड़ा कठिन होगा उनके लिए भी, क्योंकि उनके ऊपर दूसरे तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। लेकिन आपको यह भी याद करना पड़ेगा कि जब नर्मदा यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह निकले, करीब करीब 3000 किलोमीटर की यात्रा की, सपत्नीक निकले, तो
उनके ऊपर जिस तरह के दाग लगाए गए थे, जिस तरह से उन पर सवाल खड़े किए गए थे, उनको पाटने का प्रयास किया गया। और आप देखिए, कांग्रेस ने 2018 में चुनाव में जीत हासिल की, दिग्विजय सिंह का कद भी बढ़ा, बल्कि यहां तक कहा जाने लगा कि वो सीएम नहीं बल्कि सुपर सीएम हो गए जी। तो अब भोपाल से उनकी लड़ाने की तैयारी है, और जिस तरह से बयानों का दौर चल रहा है, चाहे पीसी शर्मा ने उनका स्वागत किया है, लेकिन अब सवाल यही खड़ा होता है कि चेहरा कौन होगा दिग्विजय, यदि दिग्विजय मैदान में है तो चेहरा कौन होगा। तो ये मानकर चलिए ये भगवा वर्सेस दूसरी तरफ की ये लड़ाई हो जाएगी, और इसीलिए सबसे आगे यदि कोई नाम उभर कर सामने आ रहा है तो वो है प्रज्ञा भारती का नाम। कहा तो ये भी जा रहा है कि उमा भारती भले ही मना कर दी है, हो सकता अंतिम दौर में यदि ये स्थिति बनती है तो वो भी चुनाव मैदान में आ सकती। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें, दिग्विजय सिंह के आने के बाद से लगातार बाजार गर्म हो गया है, चर्चा का सियासत मध्य प्रदेश की गर्मा गई है, और तमाम सारी सीटों का जो बात करें तो उसको छोड़कर सिर्फ एक सीट पर ध्यान केंद्रित हो गया और वो है भोपाल की सीट। लेकिन बड़ा कठिन होगा, राजेश आप भी लगातार लोगों से मिलते रहे। सर, एक सवाल मेरा अहम सवाल है, क्योंकि इस बीच में जब अविनाश आपसे सवाल कर रहे थे, अगर दिग्विजय सिंह की हम बात करें, जिस तरह से आज कमलनाथ ने कहा, पत्रकारों से मिल रहे थे, उन्होंने कहा कि भोपाल जबलपुर इंदौर के लिए कहा, दिग्विजय सिंह राजगढ़ से लड़ना चाहते थे, तो क्या माना जाए पार्टी हाई कमान ने कमलनाथ को जिम्मेदारी दी कि आप दिग्विजय सिंह से बात करिए कि इन तीन सीटों को चॉइस करें, राजगढ़ के वो लड़ना चाहते थे, तो क्या कमलनाथ ने मनाया उनको? देखिए, निश्चित रूप से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी अभी देखी जा रही है, मध्य प्रदेश में खूब चर्चा का विषय भी बना हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी जिस तरह के सवाल आते हैं, तो ये कहा जाता है कि दोनों की जोड़ी एक अलग दिशा में काम करे। जैसा थोड़ी देर पहले हम बोल रहे थे कि सीएम नहीं बल्कि सुपर सीएम के बारे में उनको कहा जा रहा, लेकिन दिग्विजय सिंह के बयान पर भी गौर करना पड़ेगा राजेश। जब इंदौर वो पहुंचे, उनसे कहा गया क्या आप भोपाल से चुनाव मैदान में होंगे, कमलनाथ जी ने तो कह दिया, तो उन्होंने कहा AICC जो कहेगा, मतलब आप देखिए अभी भी उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन मुझे खुशी है ये भी कहा साथ में, पर उन्होंने एक लफ्ज बोल दिया, और दिग्विजय सिंह का एक एक शब्द बोलना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मनु जी, दिग्विजय सिंह की मंशा है कि पार्टी की मंशा है कि वो यहां से लड़े? देखिए, पार्टी की मंशा होगी, कमलनाथ की मंशा यानी पार्टी की मंशा, और कमलनाथ वो लीडर है जिन्होंने अपने नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 15 साल बाद खड़ा किया, और कमलनाथ ही वो लीडर है जिनके जिम्मे ये है कि कम से कम 20 से 22 सीटें लोकसभा में जीतकर आपको दिलाना है। लेकिन बहुत लंबी दूर की कौड़ी है कि 20-22 सीटें कैसे जीतेंगे, पर दिग्विजय सिंह का नाम निश्चित रूप से कमलनाथ ने आगे बढ़ाया। और आप ये मत भूलिए कि सज्जन वर्मा किसके नजदीकी माने जाते हैं, सज्जन वर्मा कमलनाथ के नजदीकी माने जाते हैं जी, तरफ से इस तरह का बयान सामने आया था जी। तो निश्चित रूप से इस तरह की स्थितियां बनी हुई जी। जी राजेश साहब, एक सवाल मेरा मनोज जी, एक बात है, दिग्विजय अभी तक ये रहा कौन भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से होगा, आलोक संजर जो मौजूदा सांसद हैं वो भी जाहिर तौर पर हाथ पांव मार ही रहे थे कि दोबारा उनको टिकट मिले, और कोशिश भी कर रहे होंगे, दावेदारों की फहरिस्त भी जो है बीजेपी में भोपाल लोकसभा सीट को लेकर काफी लंबी है, बड़े बड़े दिग्गजों का भी जो है रुझान भोपाल लोकसभा सीट को लेकर होता है। लेकिन अब दिग्विजय सिंह को चूंकि अब जिस तरह से कमलनाथ ने तो कह ही दिया कि वो लड़ेंगे चुनाव, AICC भी यदि मोहर लगाती है तो कई जो है दावेदार उनको भी थोड़ा सा मायूसी झेलना पड़ सकती है जो दांव कांग्रेस ने खेला है। जोरदार आपने सवाल किया है, और निश्चित रूप से ये बड़ा दांव है कांग्रेस का, और कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि देखिए जीत हार होना ये इलेक्शन में होता है, जब मैदान में दो खिलाड़ी होते हैं एक हारता है एक जीतता है, तो ये भी चुनाव भी कुछ उसी तरह का होता है। इसीलिए दिग्विजय सिंह को यदि यहाँ चुनाव मैदान में उतार दिया है तो बहुत सारी बातें सवाल खड़े होंगे। आपको याद करना पड़ेगा कि बाबूलाल गौर के बंगले पर जब बैठक हुई तो ये कहा गया कि बाहरी कैंडिडेट कोई नहीं होगा, तो प्रज्ञा भारती तो भोपाल की नहीं है, ये तो सबको पता है वो कहाँ की रहने वाली है, तो क्या प्रज्ञा भारती चुनाव मैदान में आएगी? लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि RSS की तरफ से प्रज्ञा भारती का नाम आगे बढ़ाया जा सकता है, और यदि वो नहीं आती है तो उमा भारती का नाम भी सामने आ सकता है। हालांकि उमा भारती साफ मना कर चुकी है, पर ऐसे बहुत सारे नाम हैं, आलोक शर्मा है, खुद आलोक संजर है जो वर्तमान सांसद है, लेकिन आज उनसे जब बातें चल रही थी तो उनके हाव भाव ये दिखा रहे हैं कि लगभग ये तय हो चुका है कि आलोक संजर तो कम से कम चुनाव मैदान में नहीं होंगे, लेकिन प्रज्ञा भारती यदि चुनाव मैदान में होती है या उमा भारती चुनाव मैदान में होती है तो आप मानकर चलिए कि कांग्रेस ने जो दांव खेला है वो निश्चित रूप से चुनाव दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, वो दो भागों में बढ़ जाएगा, उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं होगा, आप समझ पा रहे होंगे जी जी। क्योंकि ये भगवा की लड़ाई हो जाएगी, और यदि ये लड़ाई उस तरफ जाती है तो हमें लगता है पूरा मध्य प्रदेश का सिनेरियो बदल जाएगा। पर ये मानकर चलिए कि कांग्रेस ने जोरदार दांव खेल दिया, और ये भी बता दिया इस सीट के जरिए कि जब 29 सीटों की वो घोषणा करेगी तो ऐसी कोई भी सीट नहीं छोड़ी जाएगी जिसको लूज कर दिया जाए कांग्रेस की तरफ से। ये साफ कोशिश होगी, पूरा प्रयास रहेगा कि अच्छे कैंडिडेट चुनाव मैदान में लाए, और दिग्विजय सिंह उसकी वानगी। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से एक सवाल और आखिर में है
कि 89 से 89 से लगातार तकरीबन 29-30 साल हो रहे हैं, सीट को लेकर काफ़ी मुफीद रही है बीजेपी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब जब दिग्विजय सिंह का नाम आया है तो एक एक्सरसाइज जरूर बीजेपी को करना पड़ेगी। आपने कहा प्रज्ञा सिंह भारती का, प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम लिया, आपने उमा भारती का नाम लिया, तो क्या अब मंथन शुरू हो गया होगा बीजेपी में दिग्विजय सिंह के नाम आने के बाद? देखिए, अब वक्त तो मंथन का ही है राजेश, और ये समय बहुत कम है। अब तो तय करना है कि आपका चुनाव मैदान में कौन होगा, लेकिन दोनों ही पार्टियां इस बात का इंतजार कर रही है कि किस सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी होगा। कुछ जगह बीजेपी भी ये चाहती है पहले कांग्रेस तय कर दे, और कांग्रेस ये चाहती है कि बीजेपी अपने जो तैयारी है वो स्पष्ट कर दे, कांग्रेस बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी कौन होंगे। तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे में लगी, लेकिन बीजेपी की तैयारियां भी कम नहीं है, क्योंकि ये चुनाव खुद नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, और अमित शाह के बारे में आप जानते हैं वो कैसे लीडर हैं, वो ये जानते हैं कि हमें चुनाव जीतना है, तो एक एक सीट पर विचार चल रहा है। लेकिन अब भोपाल की रणनीति बदलेगी, भोपाल की रणनीति पर अलग से विचार होगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह जैसे लीडर का मैदान में आना, हम ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो जनता मतदाता तय करता है, मतदाता को तय करना है। लेकिन ये जरूर है कि ये बड़ी चुनौतीपूर्ण सीट हो जाएगी, पूरी चर्चा यदि चुनाव में कहीं किसी सीट की होगी तो वो इसी सीट की होगी, और हो सकता है आने वाले दिनों में जैसे ही सूची सामने आएगी बीजेपी कांग्रेस की तरफ से तो कुछ और चेहरे ऐसे दिख जाए जो चर्चा का विषय। एक छोटा सा सवाल जी, जी कि जिस तरह से अगर बात करें इस भोपाल सीट को लेकर, अभी सारे नेता जितने भोपाल के नेता थे बाबूलाल गौर के बंगले पे बैठते हैं, स्थानीय ही चाहिए, स्थानीय ही होना चाहिए, बाहरी मंजूर नहीं, लेकिन अब ये माना जाए कि प्रत्याशी बाहरी होगा। देखिए, लगभग ये स्थिति बनती नजर आ रही है, हालांकि मैं आपके सवाल का जवाब अपनी बातों के जरिए मैं दे चुका हूं कि जब बैठक हुई तो बैठक में इस तरह के सवाल सामने आए थे, पर ये मानकर चलिए अब पूरा चैलेंज इस बात पर हो जाएगा कि इस सीट को कितने मतों से जीता जाए। बात जीत हार की नहीं होगी, दिग्विजय सिंह को कितने मतों से हराए, लेकिन दिग्विजय सिंह की तरफ से भी रहेगा, पूरी कांग्रेस की तरफ से भी रहेगा कि हम अपना बदला इस सीट को जीत कर ले लें। तो बहुत ही दिलचस्प चुनाव होने वाला है, और अविनाश भी कुछ सवाल करना चाहिए। जी मनोज जी, मेरा एक जहन में एक बात आ रही है, सवाल नहीं है, बात आ रही है जहन में कि अभी इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन दिग्विजय सिंह को चुनाव मैदान में उतारा जाता है तो उनकी साख पर बहुत बड़ी जवाबदारी होगी, उनको अपनी साख भी बचाना होगी, यदि कहीं दांव सीधा पड़ गया तो ठीक, उल्टा पड़ गया तो बहुत कुछ उनकी साख दांव पर लग सकती। क्या कहेंगे अब उनकी व्यक्तिगत, जो जिस तरह की छत्रपों वाली ये पार्टी है, अलग अलग दलों में बटी दिखाई देती है, भले ही एक जुट होकर चुनाव लड़ने की बातें करें, लेकिन इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पर दिग्विजय सिंह यदि चुनाव पर लड़ते हैं तो उनकी साख भी बहुत हद तक दांव पर लगी हो सकती। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो दिग्विजय सिंह के पास भी खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, अब पाने ही पाना है, तो यही उसका उत्तर है। लेकिन निश्चित रूप से जैसे ही दिग्विजय सिंह का नाम सामने आया है तो कुछ तरह तरह के जोक भी देखने को मिल रहे हैं, चुटकुले सामने आने लगे, कोई कह रहा है कि यदि जीते तो दिल्ली, हारे तो खिल्ली, तो इस तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो आप देखिएगा, निश्चित रूप से जीतते हैं यदि दिग्विजय सिंह तो दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली जाएंगे तो फिर कद कितना बढ़ेगा इस पर भी आप थोड़ा सा विचार कर लीजिए। हम कैसे कह सकते हैं कि वो हारेंगे, हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये चुनाव दिलचस्प होने वाला है, और इस इलेक्शन के साथ ही जैसे ही, हालांकि अभी भी मैं कहूंगा कि AICC की मोहर लगना बाकी है, जैसे ही ये नाम साफ हो जाएगा, लगभग कमलनाथ का कहना ये मानकर चलिए कि AICC इस पर मोहर लगा देगा, लेकिन अभी बहुत सारे गणित समीकरण चलना है, जब तक की सूची सामने नहीं आ जाती, पर मानकर चलिए कि दिग्विजय सिंह यहां से चुनाव मैदान में होंगे तो प्रज्ञा भारती जैसा कोई कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से भी हो सकता है। और अब इस पर नए तरीके से मंथन चल रहा है, मंथन का दौर चल रहा है, आने वाले एक दो दिन में बल्कि 24 घंटे में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका भी इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो दिग्विजय सिंह को जो चुनाव मैदान में उतारने का दांव कांग्रेस ने खेला है, उसने पूरे मध्य प्रदेश की सियासत को गर्मा दिया है। AICC की मोहर लगना बाकी है, मोहर लग जाती है तो कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में होंगे, लेकिन उनके मुखालिफ बीजेपी किसको चुनाव मैदान में उतारती है यह देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।